ghamasan.com में हम आपके साथ दीक्षा भानपी। रोहित शेखर हत्याकांड की मुलजिम और रोहित की पत्नी अपूर्वा शुक्ला को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। इसके फेसबुक प्रोफाइल से पता चला है कि इसका निकनाम बिट्टू है और वो कांग्रेस के एक संगठन से जुड़ी हुई है और इंदौर से विधानसभा का टिकट भी चाह रही थी। इस बात के लिए वो रोहित पर दबाव बनाती थी। शादी के पहले से ये सिलसिला चल रहा था। रोहित को कहती थी कि वो अपने कांटेक्ट लगाकर उसे इंदौर की राजनीति में जगह दिलवाए। पता चला है कि वो एक एनजीओ की मालिक भी थी जो उसने 2015 में शुरू किया था। उसका नाम निश्चय था। रोहित की मां उज्वला ने बताया कि जब हम रोहित की अस्थियां विसर्जित करने गए थे तो वो रोकर मुझसे बोली थी कि अम्मा अब तुम ही मेरा सहारा हो। अपूर्वा पर शक की सुई पहले दिन से ही थी और इसके लिए पुलिस के पास पर्याप्त कारण थे। इंदौर से दिल्ली आई अपूर्वा एक महत्वाकांक्षी महिला थी और वो दिल्ली में वकालत और राजनीति की दुनिया में कुछ बड़ा हासिल करने के उद्देश्य से आई थी। अपूर्वा की जिंदगी और दिल्ली में उसके सफर की छानबीन करने पर पता चला कि वो पहले अमर कॉलोनी में एक किराए के फ्लैट में रहती थी। 4 साल पहले इंदौर से दिल्ली आई अपूर्वा ने अपनी नेटवर्किंग स्किल का इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। 2 साल पहले एक मेट्रोमोनियल साइट पर खुद को रजिस्टर किया और वहीं उसका परिचय रोहित शेखर तिवारी से हुआ। अपूर्वा ने रोहित के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल की तो पता चला कि वो उत्तराखंड और यूपी के पूर्व सीएम नारायण दत्त तिवारी का बेटा है। रोहित ने एंटी तिवारी को अपना जैविक पिता साबित करने के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ी थी। रोहित के पिता का राजनीतिक करियर देख अपूर्वा काफी प्रभावित हुई और एनडी तिवारी की मौत से 6 महीने पहले दोनों ने शादी कर ली। राजनीति में करियर बनाने के अपूर्वा के सपने को उस वक्त झटका लगा जब उसके रोहित के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिली। शादी के कुछ ही दिन बाद से दोनों के बीच तनाव शुरू हो गया। राजनीतिक करियर में भी रोहित शेखर कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इस कारण भी अपूर्वा को निराशा हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि पिछले साल 29 मई को वो वापस इंदौर लौट गई, लेकिन फिर रोहित के बुलाने पर कुछ दिन बाद दिल्ली वापस आ गई। हालांकि डिफेंस कॉलोनी वाले मकान में अपूर्वा और रोहित अलग अलग कमरे में रहते थे, रोहित और अपूर्वा के बीच रोज रोज होने वाले झगड़े के कारण उज्वला शर्मा ने भी डिफेंस कॉलोनी का घर छोड़कर तिलक लेन वाले बंगले में रहने चली गई। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।